हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सरफेस ड्रेन का एस्टीमेशन हम किस टाइप से करते हैं, और साथ ही में हम देखेंगे कि सरफेस ड्रेन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सरफेस ड्रेन क्या होता है। तो सरफेस ड्रेन वो स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज़ करते हैं सरफेस वाटर को रिमूव करने के लिए। तो सरफेस ड्रेन की इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सरफेस ड्रेन क्या होता है और उसका यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। प्रिपेयर अ डिटेल एस्टीमेट ऑफ सरफेस ड्रेन फॉर लेंथ ऑफ 5 मीटर एंड फाइंड आउट ट्रेड पर मीटर। वीक सीमेंट कॉन्क्रीट 1:4:8 शैल बी विथ ब्रेक बैलेस्ट एंड सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4 शैल बी ऑफ एग्रीगेट। प्रिपेयर डिटेल एस्टीमेट ऑफ ड्रेन फ्रॉम द गिवन ड्रॉइंग। हमको ड्रॉइंग गिवन है, तो ये ड्रॉइंग की हल से हम पूरा एस्टीमेशन करेंगे। और साथ ही में हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, लेंथ ऑफ 5 मीटर। जो सरफेस ड्रेन है उसकी लेंथ कितनी, 5 मीटर। और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, रेट पर मीटर भी कैलकुलेट करना है। तो इस ड्राइंग के हल से हम इसका एस्टीमेशन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ड्राइंग में हमको क्या क्या गिवन है। जो ये वर्टिकल सेक्शन दिख रहे हैं, दो कौन से हमारे ब्रिकवर्क, उसकी थिकनेस कितनी दी है, 100 mm की। ये सरफेस पे जो प्लास्टर किया हुआ है इसकी थिकनेस कितनी है, 12 mm। और वहाँ पे जो मोर्टार यूज हुआ है उसका रेशो क्या है, 1:4 का। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, 150 mm। और जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसकी भी हाइट कितनी है, 150 mm। जो नीचे WCCG का पोर्शन है उसकी थिकनेस कितनी, 90 mm। और जो सरफेस ड्रेन का बीच का पोर्शन है उसका डायमीटर कितना है, 300 mm। और जो बॉटम भी थे वो कितनी है, 524 mm की। और साथ ही में जो सीमेंट कॉन्क्रीट यूज हुआ है ये सेमी सर्कल पोर्शन के बीच में, वो कौन सा है, 1:2:4 का। और जो सेमी सर्कल पोर्शन पर जो प्लास्टर हुआ है वो क्या है, 12 mm थिकनेस का। और वहाँ पे जो सीमेंट मोर्टार यूज हुआ है वो उसका रेशो क्या है, 1:2 का। तब इसका डिटेल एस्टिमेशन हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेजरमेंट शीट बनाते हैं जिसपे हमको डिफरेंट वर्क की क्वांटिटी मिलती है। तो सबसे पहले हम कौन सा वर्क करेंगे, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। तो हमारे नंबर ऑफ ड्रेन कितने हैं, 1। और ड्रेन की लेंथ कितनी दी हमको, क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर। और विथ कितनी है इसकी, तो जो पूरा जो अर्थवर्क होगा वो कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हमारा अर्थवर्क होगा ये। तो इसकी विथ कितनी दी हमको, 524 mm ये आ गई। और जो इसकी हाइट आएगी वो टोटल कहाँ से आएगी, ये यहाँ से 150 यहाँ तक, फिर प्लस 150 यहाँ तक कितना हो गया, 300। और प्लस ये 90 mm, तो कितना होगा, 390 mm। तो ये आ गई हमारी टोटल हाइट, ये आ गई हमारी विथ, और जो हमको लेंथ दी है क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। तो हमारे नंबर कितने थे ड्रेन के, 1। लेंथ हमको क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर, विथ हमने कैलकुलेट की कितनी है, 0.524। और जो हाइट है वो कितनी है, 0.39 मीटर, क्योंकि mm में दी हमको, तो इनको किस में कन्वर्ट करना है हमको, मीटर में। तो ये आ गया हमारा अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। अब क्या करेंगे, हम इन चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर लेंथ विथ हाइट। तो हमारी क्वांटिटी किस में आएगी, मीटर क्यूब में। तो इसकी क्वांटिटी कितनी आई, 1.022 क्यूबिक मीटर, ये आ गई हमारी अर्थवर्क की क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हमको कौन से पोर्शन की निकालना है, सबसे बॉटम वाला पोर्शन, ये WCC जिसमें हमने WCC किया हुआ है। तो हमें इस पोर्शन की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो सरफेस ड्रेन में जितने भी हमारे पोर्शन आएंगे उन सभी की लेंथ कितनी रहेगी, 5 मीटर। सिर्फ चेंज क्या होगा, विथ और हाइट। इसकी विथ कितनी है, वही आएगी विथ 524 mm। सिर्फ चेंज क्या होगी, इसकी हाइट, हाइट कितनी है इसकी, 90 mm। तो अब हमें इनकी वैल्यू पुटअप करनी है। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट अप की, नंबर तो एक ही रहेगा क्योंकि हमको कितनी सरफेस ड्रेन माननी, सिर्फ एक। उसकी लेंथ कितनी, 5 मीटर, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। इसकी विथ कितनी है, 0.524 मीटर। और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 0.09 मीटर। अब क्या करेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगी इसकी क्वांटिटी। तो इसकी क्वांटिटी कितनी आई, 0.236 क्यूबिक मीटर, ये आ गई हमारी WCC की क्वांटिटी बॉटम पोर्शन के लिए। अब नेक्स्ट हम कौन सा पोर्शन की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा ये मिडिल पोर्शन है। तो अब हम इस पोर्शन की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा आपको, ये जिसमें हमने कौन सा किया, सीमेंट कॉन्क्रीट किया है 1:2:4 का, इसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं कि इस सेक्शन की हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर ले। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम इसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें इतने जो पोर्शन है इसके डायमेंशन हमें पता है, इसका फार्मूला हम निकाल सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर का फार्मूला यूज़ करके, इतने सेक्शन की हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमने जैसे रेक्टेंगुलर की क्वांटिटी निकाली, उसके बाद जो हमारा सेमी सर्कल दिख रहा है आउटर में, ये जो सेमी सर्कल पोर्शन है इसको हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे रेक्टेंगुलर के क्वांटिटी में से, तो हमको मिल जाएगा इस पोर्शन की क्वांटिटी। तो हम ऐसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेक्टेंगुलर की क्वांटिटी निकालेंगे, फिर उसमें सेमी सर्कल की क्वांटिटी को हम डिडक्ट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा इस पोर्शन की क्वांटिटी हमको कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4 इन मिडिल पोर्शन, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है जो हमको ड्राइंग में गिवन है, सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4। नंबर तो एक ही रहेगा, लेंथ कितनी रहेगी, 5, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। विथ कितनी रहेगी इसकी, 0.324। अब ये 324 कैसे क्या आई, जो हमारे मिडिल पोर्शन की विथ है कितनी, 300 mm, लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्लास्टर किया हुआ है उससे उसकी थिकनेस कितनी है, 12 mm। तो 12 mm इस साइड में भी रहेगा और इस साइड में भी रहेगा, तो बोथ साइड का 12 mm मिला के कितना हो गया, 24। तो जो हमारी टोटल विथ है ये रेक्टेंगुलर की वो कितनी आई, 324 mm। उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो उसकी विथ कितनी आई, 0.324, ये आ गई हमारे पास।
और हाइट कितनी रहेगी 150 mm, तो उसको हम लिख सकते हैं 0.15। तो इसकी जो टोटल क्वांटिटी आएगी, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन रहेगा उसकी कितनी आएगी, 0.243 क्यूबिक मीटर। तो यही हमारी 0.243 क्यूबिक मीटर, यही हमारी क्वांटिटी रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए, ना कि सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेमी सर्कल पोर्शन है उसको हम डिडक्ट कर देंगे रेक्टेंगुलर की क्वांटिटी से, तो हमें मिल जाएगा हमारा सीमेंट कॉन्क्रीट की क्वांटिटी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सेमी सर्कल का वॉल्यूम। तो सेमी सर्कल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले करेंगे हमको सर्कल एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो पाई बाय 8 डी स्क्वायर हो जाएगा सेमी सर्कल का फार्मूला एरिया का। और हमें चाहिए उसका वॉल्यूम, तो उसमें क्या करेंगे, हम लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी लेंथ कितनी, 5 मीटर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट अप की पाई, और जो इसका डायमीटर आएगा, तो डायमीटर कितना आएगा, हमको यहाँ पे दिया है इसका रेडियस, रेडियस कितना है 150 mm, डायमीटर कितना है 300 mm। तो यहाँ पे हमने डायमीटर मिल गया हमको 0.3, और इसको डिवाइड करेंगे 8 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो मिल जाएगा हमको वॉल्यूम ऑफ सेमी सर्कल। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सेमी सर्कल कितना है, 0.177 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारा सेमी सर्कल का वॉल्यूम। तो इसको हम किससे डिडक्ट कर देंगे, जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन का वॉल्यूम आया उसमें से। तो हमें मिल जाएगी हमारी सीमेंट कॉन्क्रीट की क्वांटिटी, तो हमारी सीमेंट कॉन्क्रीट की क्वांटिटी कितनी है, 0.066 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारी सीमेंट कॉन्क्रीट की क्वांटिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो कौन सा है, ब्रिक वर्क। तो जो हमारी थिकनेस है ब्रिक वर्क की, वो बहुत कम है। तो मैंने आपको यूनिट मेजरमेंट वाले वीडियो में बताया था, अगर ब्रिक वर्क की थिकनेस बहुत कम है तो हम ब्रिक वर्क की यूनिट क्या लेते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे हमारी थिकनेस बहुत कम है तो हम इसकी यूनिट क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो 100 mm थिक ब्रिक वर्क इन मोर्टार 1:4, यहाँ पे नंबर कितने आएंगे, दो क्यों आएंगे, क्योंकि जो हमारे पास ब्रिक वर्क की जो वॉल्स है वो कितनी है, दो है, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। तो हम नंबर क्या लेंगे यहाँ पे, दो, ये हमारे दो नंबर आए। लेंथ हमको 5 मीटर, दोनों के लिए कितनी रहेगी, 5 मीटर। और जो ब्रिक वर्क की थिकनेस है अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस बहुत कम है, और जो इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर में। तो मैंने क्या बोला, जब ब्रिक वर्क की थिकनेस बहुत छोटी रहेगी तो हम उसकी यूनिट क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे थिकनेस बहुत छोटी है इसलिए यहाँ पे हम थिकनेस की वैल्यू नहीं ले रहे, तो हम हाइट की वैल्यू लेंगे। तो हाइट कितनी आएगी इसकी, तो इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ड्राइंग में देख लेते हैं। तो ये हमको गिवन है 150 mm यहाँ तक, इस पोर्शन तक, फिर यहाँ नीचे तक 150 mm। तो ब्रिक वर्क वाले पोर्शन की टोटल हाइट कितनी आई, 150 + 150 300 mm। तो इसकी हाइट आ गई हमारे पास 300 mm, यानी 0.3 मीटर। इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गई वैल्यू। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी है, 3 मीटर स्क्वायर। उसी तरह प्लास्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, प्लास्टर की यूनिट तो हमेशा मीटर स्क्वायर में लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम कौन से प्लास्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा मिडिल पोर्शन में सर्कुलर पोर्शन पर जो प्लास्टर किया हुआ है, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसके लिए हम प्लास्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा सर्कुलर पोर्शन है वो कितना, एक ही सिंगल पोर्शन है, उसके लिए लेंथ कितनी आएगी, 5 मीटर। अब बारी आती विथ, तो ये विथ कैसे क्या आई मैं आपको बता देता हूँ। ये विथ हमको चाहिए टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी विथ चाहिए। तो ये विथ चाहिए हमको पूरी, इस पोर्शन की हमें विथ चाहिए, इस पोर्शन की। तो इस पोर्शन की विथ कैसे आएगी, सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। लेकिन हमारा कौन सा सर्कल है, सेमी सर्कल, तो 2πr का आधा क्या हो जाएगा, πr। तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी पाई आर की हेल्प से, इसकी विथ कितनी है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट अप की तो हमको मिल जाएगा सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है, 0.47 मीटर। ये आ गई हमारी विथ सेमी सर्कल के लिए। तो इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी, 2.35 मीटर स्क्वायर। इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल जाएगी इसकी क्वांटिटी, 2.35 मीटर स्क्वायर आ गई, जो हमारा सर्कुलर पोर्शन है उस पर कितना प्लास्टर हमको रिक्वायर्ड होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है, जो वर्टिकल है, उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास कितने आएंगे, दो पोर्शन कैसे क्या आएंगे, एक साइड जो हमारा ब्रिक वर्क है लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर वाला पोर्शन। तो इसकी टोटल लेंथ कैसे क्या आएगी विथ, सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ तक हमारी विथ कितनी है, 150 mm। फिर ये यहाँ से यहाँ तक हमारी विथ कितनी है, 100 mm। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारी विथ कितनी आएगी, 100 mm, क्योंकि एकदम इतने पोर्शन पे जो इतना बचा हुआ है, तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं 100 mm। तो इस पोर्शन के लिए कितना है, 150 + 100 mm + 100 mm, तो कितना आया हमारा टोटल, 350 mm। उसी टाइप से इस पोर्शन के लिए आया, तो इस पोर्शन के लिए भी सेम टू सेम उतना ही आएगा। तो हमारे पास जो नंबर आ गए वो कितने आ गए, दो, एक इस साइड के लिए और एक इस साइड के लिए। तो हमारे पास नंबर कितने आए, दो, और इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 5 मीटर। विथ कितनी हो जाएगी, जो अभी हमने कैलकुलेट की। तो नंबर कितने आए हमारे, दो, लेंथ कितनी, 5 मीटर हमको क्वेश्चन में गिवन है। विथ कितनी आई, 0.35, जो हमने अभी कैलकुलेट की, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो हमारी जो टोटल क्वांटिटी आई वो कितनी आई, 3.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारी जो बचा हुआ पोर्शन, उसके लिए हमको कितने प्लास्टर रिक्वायर्ड होगा। अब हमारी मेजरमेंट शीट तो कंप्लीट हो गई, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि हमको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। सबसे पहले किया था हमने अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, उसकी यूनिट क्या थी, क्यूबिक मीटर। उसकी क्वांटिटी कितनी आई थी, 1.022 क्यूबिक मीटर। उसका रेट क्या लेके चल रहे हैं, 25 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर।
तो इसको हमको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा इसके लिए, 25 रुपीज़ एंड 55 पैसेज। उसी तरह WCC पोर्शन जो हमारा बॉटम पोर्शन में था, उसकी यूनिट क्या ली हमने, क्यूबिक मीटर। उसकी क्वांटिटी कितनी है, 0.236 क्यूबिक मीटर। उसका रेट क्या लेकर चल रहे हैं, 300 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। तो उसके लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा हमको, 70 रुपीज़ एंड 80 पैसेज। अब उसी तरह हमारा सीमेंट कॉन्क्रीट वाला पोर्शन जो एकदम मिडिल में था, उसकी क्वांटिटी कितनी है हमारी, 0.066 क्यूबिक मीटर। उसकी यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर। उसका रेट क्या लेके चले हैं, 425 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। तो उसके लिए हमको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 28 रुपीज़ 0.5 पैसेज। उसी तरह ब्रेकवर्क के लिए, उसकी यूनिट के लिए हमने मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, ब्रेकवर्क की यूनिट हम क्या लेके चल रहे हैं, मीटर स्क्वायर, क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम है, इसलिए इसकी क्वांटिटी कितनी है हमारी, 3 मीटर स्क्वायर। उसका रेट क्या लेके चल रहे हैं, 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 150 रुपीज़। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा बचता है, प्लास्टर वर्क। तो प्लास्टर एक हमारा सर्कुलर पोर्शन के लिए था और एक बचे हुए पोर्शन के लिए था, और प्लास्टर की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा सर्कुलर पोर्शन था उस पर उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 2.35 मीटर स्क्वायर। और वहाँ पे जो हमारा प्लास्टर यूज़ हो रहा उसका रेट क्या लेके चल रहे हैं, 20 रुपीज़। तो उस वर्क के लिए हमको कितना अमाउंट पे करना है, 47 रुपीज़। उसी तरह जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है उसकी क्वांटिटी कितनी आई थी, 3.5 मीटर स्क्वायर। उसके लिए क्या रेट लेके चल रहे हैं, 15 रुपीज़। तो उस वर्क के लिए हमको कितना अमाउंट पे करना है, 52 रुपीज़ एंड 50 पैसेज। अब इसकी बात क्या करते हैं, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं इन सभी का सबमिशन करके। तो हमको जो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड है वो कितना है, 373 रुपीज़ एंड 39 पैसेज। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक्स्ट्रा 5% ऐड करते हैं, किसके लिए, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट और कंटिजेंसीज के लिए। तो हमने 5% एक्स्ट्रा ऐड किया इसका, तो इसका 5% कितना है, 18 रुपीज़ एंड 70 पैसेज। तो जो हमारा टोटल अमाउंट आया ये 5% एक्स्ट्रा मिला के प्लस जो हमारा टोटल अमाउंट है, तो हमारा जो ग्रैंड टोटल आया कितना है, 392 रुपीज़ एंड 09 पैसेज। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं, 392 रुपीज़। तो जो हमारे 5 मीटर लेंथ की ड्रेन बनाने के लिए हमको कितना अमाउंट पे करना है, 392 रुपीज़। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला था हमको रेट पर मीटर भी कैलकुलेट करना है। तो रेट पर मीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी जो टोटल लेंथ दी है 5 मीटर उसको डिवाइड कर देंगे इसके जो अमाउंट है उससे, तो हमको मिल जाएगा पर मीटर के लिए हमको कितना रेट लगेगा। तो 5 मीटर ड्रेन के लिए इतना रेट है, तो 1 मीटर में कितना रिक्वायर्ड होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हमको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, 78 रुपीज़ एंड 40 पैसेज। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं, 79 रुपीज़ पर मीटर। तो हमें पर मीटर ड्रेन कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, 79 रुपीज़। और जो हमारा 5 मीटर है उसके लिए कितना है, 392 रुपीज़। तो इस टाइप से हम सरफेस ड्रेन के लिए मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं, और उसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको सरफेस ड्रेन का एस्टिमेशन समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आपको कोई डाउट है, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही आप चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।